जरिए संतान उत्पत्ति या संतान प्राप्ति कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम बात करेंगे, क्या पुरुष नसबंदी कराने के बाद पिता बन सकते हैं या महिला नसबंदी कराने के बाद माँ बन सकते हैं। तो चलिए इस बारे में हम आज बात करेंगे। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कपल्स, दो बच्चे नॉर्मल होते हैं तो ऑपरेशन करा लेते हैं या स्टरलाइजेशन करा लेते हैं, बाद में किसी एक बच्चे को विकृति आ गया तो भी उनको बच्चा चाहिए होता है, या फिर वो दूसरे शादी कर रहे होते हैं, फर्स्ट शादी उनकी वर्कआउट नहीं किया तो दूसरी शादी करने के बाद भी उनको बच्चा चाहिए होता है, या फिर दो बच्चे में स्टरलाइजेशन कराने के बाद कोई एक बच्चा का डेथ हो गया या बच्चे, दोनों बच्चे का डेथ हो गया तो भी उनको बच्चा चाहिए होता है। तो इस कंडीशन में नसबंदी खुलवाना सही नहीं होगा, क्योंकि ट्यूब को बांध दिया जाता है या काट दिया जाता है तो ट्यूब कमजोर हो चुका है। यदि आप खुलवा कर, नसबंदी खुलवा करके आप यदि बच्चा चाहेंगे तो ये सही नहीं है। इसके लिए ऐसे कंडीशन में यदि आपको दोबारा बच्चा चाहिए या संतान चाहिए तो IVP प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। इस प्रक्रिया में टेस्टिकुलर बायोप्सी से हम सीधे टेस्टिकल के शुक्राणु को उठाते हैं सुई की सहायता से। इन शुक्राणु को अंडे के पास रखा जाता है। एक एक अंडे को एक एक शुक्राणु के साथ निषेचित करके भ्रूण तैयार किया जाता है। अंडों को हाई पावर माइक्रोस्कोप या हाई रेजुलेशन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। जिन सब शुक्राणुओं की गति व शारीरिक बनावट अच्छी होती है उन्हें सिलेक्ट करके इक्सी पद्धति द्वारा अंडे को निषेचित किया जाता है, भ्रूण तैयार किया जाता है। इन भ्रूणों को महिला के गर्भाशय में यानी कि बच्चेदानी में ट्रांसफर करते हैं। अथवा पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन के जरिए संतान उत्पत्ति या संतान प्राप्ति कर सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नए जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।